बारिश के मौसम में सर्पदंश की घटना बढ़ गई है। जिले में हर दिन दर्जनों लोग इसका शिकार हो रहे हैं। सर्पदंश के शिकार युवक सदर अस्पताल में टिफिन में बंद कर जिंदा सांप ले आए। डॉक्टर द्वारा कौन सा सांप काटा पूछने पर किसान ने टिफिन खोलकर जिंदा सांप दिखा दिया। कर्मियों ने जब सुना कि मरीज सांप लेकर अस्पताल पहुंचा, यह सुन सांप देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। परबतपुर थाना इलाके के लल्लुआरी निवासी जयराम यादव ने बताया कि खेत में आरी बना रहा था, इसी दौरान पानी पीने के लिए चापाकल पर गया, जहां सांप ने उन्हें काट लिया। पीड़ित का भतीजा बबलू कुमार ने बताया कि इलाज के दौरान डॉक्टर पूछते हैं कि कौन सा सांप काटा है, इस कारण वह सांप को पकड़ ले आए। इसी तरह बिहार थाना क्षेत्र के उपरावा गांव में जलावन लाने के दौरान महिला सर्पदंश की शिकार हो गई। महिला कुंदन कुमार की पत्नी नीरू देवी है। परिजन ने बताया कि सुबह में खाना बनाने के लिए जलावन लाने गई थी, इसी दौरान वह सर्पदंश की शिकार हो गई। इसके बाद परिजन उसे इलाज कराने के बजाय झाड़ फूंक कराने लेकर चले गए, जहां दोपहर बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद उसे इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल लाया गया। आज जुताई भरा था ट्रैक्टर से, वहाँ पर पानी थी, पानी गिरा तो वहीं पर अंदर में चापा हुआ था और पानी पीने गए तो पैर में काट लिया। अभी स्थिति कैसा है? अभी तो कुछ ठीक है। सांप लेकर के यहाँ पर आए हैं? हाँ हाँ, इसलिए दिखाने के लिए। इनको अस्पताल वाला को विश्वास ऐसे ना होता है कि कौन सांप काटा है न काटा है, इसलिए लाए। बबलू कुमार।